साहिबगंज जिला पुलिस कप्तान ने शनिवार को राजमहल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि बीती रात्रि मिली गुप्त सूचना के आधार पर बहरवा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में छापेमार दल का गठन किया गया है। छापेमारी दल के सदस्यों ने पेशेवर तरीके से त्वरित कार्यवाही करते हुए कुख्यात अपराधी को देसी कट्टा और 3 जिंदा गोली के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। कल दिनांक 3/12/2021 को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि कुछ अपराधी जो हैं अवैध हथियार के साथ जमा हैं और घटना को अंजाम देने वाले हैं। इस सूचना का सत्यापन पे एसडीपीओ बड़वा जो अभी राजमहल के इंचार्ज में उसके नेतृत्व में एक टीम गठित की गई जिसमें हमारे अफसर इंचार्ज राजमहल और पुलिस निरीक्षक राजमहल भी शामिल हुए और हमने पदाधिकारी और इन लोगों ने जो संदिग्ध व्यक्ति थे उसको गिरफ्तार किया जिसका नाम राजू मंडल है जो पूर्व में भी इसका आपराधिक इतिहास रहा है उसको गिरफ्तार किया गया और इसकी तलाशी लेने पर उसके पास से 2 अवैध निर्मित हथियार बरामद किए गए जिसको देसी कट्टा कहा जाता है। साथ में 3 गोली भी बरामद की गई है और इस तरह इस टीम ने एक बेहतरीन काम किया है और एक अपराधी को जिसका पूर्व आपराधिक इतिहास रहा है हथियार के साथ अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। ये सारी टीम बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ।